तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर और हम लोग पढ़ रहे हैं 12th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में ये मेरा चौथा लेक्चर है और आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स और सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बात पढ़ेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स और एनिमल्स ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अडॉप्ट किया हुआ है। हमने आपको पहले लेक्चर में जब डिफरेंस बताया था सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, तो हमने आपसे ये बात कहा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज़ लेस टाइम एनर्जी एंड टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दस इट इज ऑल्सो ए रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हमने बताया था, इट इज मोर टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड ऑल्सो इट इज ए स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जबकि इतनी खूबियां हैं, इतनी सारी अच्छाइयां हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कम टाइम लगेगा, कम एनर्जी लगेगा, रैपिडली प्रोपगेशन होगा, लेकिन बावजूद इसके मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स और एनिमल्स ने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्ट किया। तो यहां पर पहला क्वेश्चन बन के आता है कि व्हाई मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स एडॉप्टेड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रीजन्स क्या होंगे? सबसे पहला रीजन कि इट इज रैदर प्रोटेक्टिव। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के तौर पर जाना जा सकता है। आप हाईएस्ट लेवल पर देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वहाँ पर आपको इंटरनल डेवलपमेंट दिखेगा और इस तरह से जो प्रोजेनी की संख्या है वो घटती है यहाँ पर। तो जो कास्ट बेनिफिट रेशियो है वो भी यहाँ पर ऑप्टिमाइज होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटेक्टिव चूँकि मोड है रिप्रोडक्शन का, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोजेनी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे नंबर ऑफ प्रोजेनी का रिडक्शन देखेंगे। सो ऑर्गेनिजम्स देयर बाई रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि अगर प्रोटेक्टिव मोड है तो कम प्रोजेनी, कम जो प्रोजेनी है वो भी एडल्ट तक पहुंच पाएंगे, कम जो डॉटर्स हैं वो भी एडल्टहुड तक पहुंच पाएंगे और इस तरह से यहाँ पर नंबर रिड्यूस होगा प्रोजेनी का। तो सबसे पहला जो रीजन है, इट इज रैदर प्रोटेक्टिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड थिंग इज वेरिएशंस, इट रिजल्ट्स वेरिएशंस। हमने बताया था आपसे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस मियासिस से होता है और इस मियासिस की वजह से वेरिएशंस आते हैं और ये जो वेरिएशंस हैं ये इंडिविजुअल को चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में फिटनेस प्रोवाइड कराते हैं, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से अधिक टाइम और एनर्जी कंज्यूम होने के बावजूद भी हायर प्लांट्स और एनिमल्स ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट किया। हम बात करेंगे कि लाइफ फेजेस के बारे में, लाइफ हिस्ट्री फेजेस के बारे में। तो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए थोड़ा सा अलग अलग यहां पर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट या एनिमल्स की बात करें तो इनके लाइफ हिस्ट्री में कुल तीन फेजेस होते हैं रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। तो जो पहला फेज होता है
इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज। और एनिमल्स के लिए इसी को हम जुबेनाइल फेज कहते हैं, जुबेनाइल फेज। जो दूसरा फेज होता है लाइफ हिस्ट्री में, इसको हम कहते हैं फ्लावरिंग फेज, फ्लावरिंग फेज। या एनिमल्स में इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। और जो तीसरा सबसे लास्ट फेज होता है, इसको हम कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। इसको सेनिसेंस फेज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात की ये जो अगर हम पर्टिकुलरली प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में ये जो तीनों स्टेजेज हैं, नेमली वेजिटेटिव फेज, फ्लावरिंग फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज या पोस्ट फ्लावरिंग फेज, ये जो फेजेज हैं वो एनुअल और बाई एनुअल जो प्लांट्स हैं वहाँ पर अधिक क्लियरली बेस पर। जैसे अगर हम राइस प्लांट की बात करें जिसका पूरा लाइफ स्पेन 4 मंथ का है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि 3rd मंथ में ही फ्लावरिंग हो जाएगी, फ्रूटिंग होगी और फिर डेथ के तरफ प्रोग्रेशन होगा, यानी सेनिसेंस जिसको जीर्ण होना कहते हैं, यानी जो प्लांट है वो जीर्णता है और फाइनली उसका डेथ हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक मैंगो प्लांट की बात करें जो एक पेरेनियल प्लांट है, तो वहाँ पर हम देखेंगे वेजिटेटिव फेज देखेंगे, लगभग 5 ईयर्स का वेजिटेटिव फेज होगा और फिर फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग होगी और उसके बाद सब्सिक्वेंट फ्लावरिंग होगी, काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग होगी। तो यहाँ पर जो तीसरा फेज है जिसको हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं या सेनिसेंस कहते हैं, ये क्लियरली विजिबल नहीं होता या इसमें बहुत अधिक लंबा समय लगता है। तो इसलिए जो एनुअल्स यानी एक ही सीजन में जो प्लांट ग्रो करते हैं फ्लावरिंग फ्रूटिंग और उनका डेथ हो जाता है, या जो बाई एनुअल्स हैं यानी एक सीजन में उनका जर्मिनेशन होगा और दूसरे सीजन में वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेंगे, तो वहाँ पर ये तीनों स्टेजेस अधिक क्लियरली विजुअल होते हैं। हम क्या कहेंगे कि एनसीईआरटी ने भी लिख रखा है, हम देखेंगे कि डिफरेंट प्लांट की जो स्पीसीज हैं वहाँ पर फ्लावरिंग इनिशिएट होने का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। दैट इज डिफरेंट द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीसीज टेक डिफरेंट टाइम फॉर फर्स्ट फ्लावरिंग। कहीं कहीं आप देखेंगे कि ये 1 मंथ में ही फ्लावरिंग हो जाती है, कहीं कहीं 3 मंथ में फ्लावरिंग होती है, कहीं 5 ईयर्स और लगता है, कहीं 15 ईयर्स लगता है, कहीं 30 ईयर्स लगता है। तो ये चीज़ जो प्लांट में ये जो एक करेक्टर दिखता है, ये ऐसा क्यों दिखता है? जवाब है इसका, तो मैं क्वेश्चन लिख दूँ पहले कि वाई डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट टेक डिफरेंट टाइम टू फ्लावर। तो डिफरेंट जैसे एनसीईआरटी ने लिख भी रखा है कि आप बताइए कि मारीगोल्ड में, कोकोनट में, राइस में और मैंगो में जो फ्लावरिंग है उसमें कितना समय लगेगा? डिफरेंट टाइम लगेगा हम जानते हैं, लेकिन क्यों ऐसा है? इट इज द आंसर इज रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ फोटो इंडक्टिव साइकिल्स। क्या मतलब है इसका? फोटो इंडक्टिव साइकिल ऑन एवरेज 24 घंटे में जो प्लांट का एक्सपोजर होता है लाइट से, यानी जो लाइट वो रिसीव करता है 24 आवर में, उसको हम फोटो इंडक्टिव साइकिल कहते हैं। या किसी पर्टिकुलर टाइम में जो लाइट एब्जॉर्ब करता है प्लांट, उसको हम फोटो इंडक्टिव साइकिल कहते हैं।
क्योंकि जेनेटिक मेकअप डिफरेंट प्लांट स्पीसीज में अलग अलग होता है, तो उसी के हिसाब से जो फोटो इंडक्टिव साइकिल की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है डिफरेंट प्लांट्स। क्या करता है ये फोटो इंडक्टिव साइकिल? तो प्लांट में फ्लावरिंग हार्मोन, जिसको फ्लोरीजेन कहते हैं, इसके लेवल को धीरे धीरे बढ़ाता है, और जब वो रिक्वायर्ड पीक पहुंचता है फ्लावरिंग हार्मोन का, तो फ्लावरिंग का इनिशिएशन होता है। तो जैसे जैसे फोटो इंडक्टिव साइकिल्स मिलते हैं प्लांट को, वैसे वैसे फ्लावरिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है, और एक ऐसा समय आता है जब सफिशियंट लेवल उसका होता है, और ऐसे कंडीशन में फ्लावरिंग होती है। तो ये वजह है कि जो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज हैं उनकी फ्लावरिंग के लिए, उनकी में फर्स्ट फ्लावरिंग के लिए जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। तो इसी के हिसाब से दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अलग अलग जो स्पीसीज के प्लांट हैं वहाँ पर उनका जो वेजिटेटिव ग्रोथ का फेज होता है वो अलग अलग होता है, और तब तक वो वेजिटेटिव फेज में बने रहते हैं जब तक रिक्वायर्ड फोटो इंडक्टिव साइकिल नहीं मिल जाती, जब तक फ्लावरिंग हार्मोन का लेवल सफिशियंट नहीं होता। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने पूछ रखा है, जैसे नाम दिया है, बताइए भाई मारीगोल्ड है, ये देखिए मारीगोल्ड, मारीगोल्ड की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज में फ्लावरिंग इसकी हो जाती है। इसी तरह से मैंगो प्लांट की अगर हम बात करें तो मैंगो प्लांट में आप देखेंगे 5 ईयर्स का टाइम लगता है फ्लावरिंग होने में। इसी तरह से हम राइस प्लांट की अगर आप बात करें, राइस प्लांट की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लावरिंग का टाइम होता है ये 3 मंथ्स के आसपास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मारीगोल्ड 50 डेज में ही रिक्वायर्ड फोटो इंडक्टिव साइकिल पूरा कर लेता है, फ्लावरिंग हार्मोन का लेवल एडिक्वेट हो जाएगा। मैंगो में इसी के लिए 5 साल लगेंगे, तो उसका वेजिटेटिव ग्रोथ का पीरियड 5 साल का रहेगा और तब जा करके पहली फ्लावरिंग दिखेगी। राइस प्लांट में ये 3 मंथ का होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। दूसरी हम बात यहाँ पर करेंगे कि ब्रीडिंग के बारे में, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की बात हम करेंगे, तो जो प्लांट्स और एनिमल्स कुछ ऐसे, जैसे सीजनल फ्रूट्स की बात एनसीईआरटी ने लिखी है, जैसे आप देखिए मैंगो की बात करेंगे तो जो मैंगो है वो हर साल एक पर्टिकुलर सीजन में अबंडेंट होता है, या एप्पल की बात करें तो हर साल एक पर्टिकुलर सीजन में अबंडेंट होता है। हालांकि जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी मॉडिफाई किया है, अब बहुत सारी ऐसी वेराइटीज बनी हैं जो हर तरह के सीजन में वो सक्सेसफुली ग्रो करती हैं, लेकिन फिर भी हम अगर देखें तो अभी भी ये हमको दिखता है कि कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं या कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही दिखाई देते हैं। तो डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव मोड है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, तो उन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड अडॉप्ट कर रखा है। जैसे मान लीजिए कि हम एनिमल में फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग को देखेंगे कि उसका जो ब्रीडिंग सीजन है, उसका जो रिप्रोडक्टिव टाइम है वो जुलाई से लेकर के सितंबर तक, क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो वहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, गैमेट्स कैसे मूव करेंगे भाई, मूव करके कैसे फर्टिलाइज करेंगे। अब अगर अप्रैल मई में अगर फ्रॉग का ब्रीडिंग सीजन हो तो डेफिनेटली उस समय पानी नहीं, तालाब सूखे हुए होते हैं, जो वाटर बॉडीज हैं वो ड्राई कंडीशन में होती हैं, तो ऐसे कंडीशन में फ्रॉग ब्रीड नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक पर्टिकुलर टाइम को अडॉप्ट किया हुआ है। हम डिफरेंट प्लांट्स की भी बात करेंगे तो प्लांट्स में हम देखेंगे कि उन्होंने भी ऐसे ही एक जो उनका फेवरेबल टाइम पीरियड है फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, उस पीरियड को उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। और यही वजह है कि डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका सीजनल अबंडेंस देखा जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक रहा, ये रहा सीजनल अबंडेंस ऑफ
some vegetables and fruits के बारे में हमने बात करी। तो ऐसे प्लांट की बात करें, ऐसे एनिमल की बात करें जो किसी पर्टिकुलर, जो जिनके लिए कोई पर्टिकुलर फिक्स ब्रीडिंग टाइम होता है, इनको हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स यानी उसी पर्टिकुलर सीजन में ये ब्रीड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, सीजनल ब्रीडर्स। आप अगर हम बात करें कि अगर हम लोग बात करें एम्फीबियंस की, लिजर्ड्स की, एनसीईआरटी ने पूछ रखा है, एम्फीबियंस की बात करें, लिजर्ड्स की बात करें, तो यहाँ पर ये भी सब क्या हैं, सीजनल ब्रीडर्स हैं, यह ध्यान रखेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर कोई सीजन इन्होंने अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस के हिसाब से, जो रिप्रोडक्शन की इनकी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। इसी तरह से कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो थ्रू आउट ईयर रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, उनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस ब्रीडर्स। स्पॉन्टेनियस ब्रीडर्स फीमेल की, अगर ह्यूमन फीमेल की बात करें या प्राइमेट फीमेल की बात करें, तो यहाँ पर देखने को मिलता है जिनको हम स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेटर्स भी कहते हैं फीमेल्स को, ऐसे केसेस में, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें और जो हायर मैमल्स हैं वो थ्रू आउट ईयर ब्रीड कर सकते हैं, उनके लिए कोई, ऐसे जो ब्रीडर्स हैं उनको हम स्पॉन्टेनियस ब्रीडर्स के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी ने यहाँ पर मोनोकार्पी और पॉलीकार्पी के बीच में भी बात कर रखा है। हम बात करें जैसे मैंगो प्लांट की, तो मैंगो प्लांट में हम देखेंगे कि 5 ईयर्स का वेजिटेटिव फेज हुआ, जो वेजिटेटिव फेज है वो 5 ईयर्स का हुआ, और उसके बाद पहले बार फ्लावरिंग हुई, फर्स्ट फ्लावरिंग। वेजिटेटिव फेज एट द एंड ऑफ 5th ईयर जो फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग होगी, यही रिप्रोडक्टिव फेज का इनिशिएशन माना जाता है, फ्लावरिंग फेज, फर्स्ट फ्लावरिंग। अब फर्स्ट फ्लावरिंग के बाद चूंकि एक पेरिनियल प्लांट है ये, तो फर्स्ट फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, और फिर रिप्रोडक्शन सस्पेंड हो जाएगा, नेक्स्ट सीजन में फिर से फ्लावर्स आने लगेंगे। यानी पेरिनियल प्लांट की बात करें जहाँ पर एक से अधिक बार फ्लावरिंग होती है, तो 2 फ्लावरिंग फेज के बीच का जो पीरियड है उसको हम कहेंगे यानी नेक्स्ट फ्लावरिंग। ये देखिए पहले बार फ्लावरिंग हुई, फिर नेक्स्ट फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई, फिर नेक्स्ट फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई अगले सीजन में नेक्स्ट। तो ये जो 2 फ्लावरिंग फेज के बीच का जो टाइम है इसको इंटर फ्लावरिंग पीरियड के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी ने ये पूछ रखा है कि भाई पेरिनियल प्लांट में जहाँ पर एक से अधिक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी, तो 2 सब्सिक्वेंट फ्लावरिंग के बीच का जो पीरियड है जिसको इंटर फ्लावरिंग पीरियड कह रहे हैं वो क्या होगा, वेदर इट विल बी वेजिटेटिव आर मेच्योर। तो डेफिनेटली इट विल बी मेच्योर, सो दिस इज इट विल बी मेच्योर फेज फ्लावरिंग, इट विल बी मेच्योर फेज, हम इसको मेच्योर फेज कंसिडर करेंगे। जो फ्लावरिंग, फर्स्ट फ्लावरिंग का जो टाइम है यानी सीडलिंग जर्मिनेशन से लेकर के फर्स्ट फ्लावरिंग तक का जो टाइम है उसी को हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। उसके बाद अगर पेरिनियल प्लांट है और सब्सिक्वेंट वहां फ्लावरिंग हो रही है तो इंटर फ्लावरिंग पीरियड को हम मेच्योर कंसिडर करेंगे। तो ये कुछ बातें रहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया हुआ है। हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे यहाँ पर, और उससे भी पहले एक और भी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये देखिए सेमेल पेरिटी एक टर्म होता है, सेमेल पेरिटी, सेमेल पेरिटी का मतलब होता है मोनोकार्पी। आप कुछ ऐसे प्लांट्स को देखेंगे जहाँ पर सिंगल टाइम फ्लावरिंग हो रही है, सिंगल टाइम फ्लावरिंग, यानी अपने पूरे लाइफ में एक बार वो फ्लावर करते हैं,
ऐसे जो प्लांट्स हैं उनको सेमेल पेरस प्लांट कहते हैं या मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। उसी तरह से एक और प्लांट होते हैं जिनको हम कहते हैं इटेरो पेरिटी को हम कहते हैं पॉलीकार्पी। यानी वो ये ऐसे प्लांट हैं जो पेरिनियल प्लांट होते हैं और जो लाइफ में कई बार फ्लावरिंग और शूटिंग शो करते हैं। तो यहां पर हम एक चीज बात करेंगे, ट्रेड ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ कि एनर्जी का व्यापार। प्लांट में जो कंजर्व्ड एनर्जी है ये खास करके तीन तरह से यूज की जाती है, रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल और मेंटेनेंस। यानी जो प्लांट है, जो कंजर्व्ड एनर्जी प्लांट ने रखा हुआ है, उसको मेंटेनेंस में, सर्वाइवल में और रिप्रोडक्शन में यूज करता है। आप यह अगर गौर करें कि कोई ऐसा प्लांट है जो बार बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दिखा रहा है, तो जो कंजर्व एनर्जी है वो बार बार रिलीज होगी, बार बार वेस्ट होगी वो एनर्जी। लेकिन कोई ऐसा अगर प्लांट है जो एक ही बार अगर फ्लावर कर रहा है, तो डेफिनेटली उस समय उसके फ्लावरिंग में अधिक कंजर्व एनर्जी यूज होगा और वहां पर जो फ्लावरिंग होगी वो बूम फ्लावरिंग होगी, जिसको हम कहते हैं बिग बैंग फ्लावरिंग। ऐसे दो प्लांट एनसीईआरटी ने लिख रखा है, जैसे बंबू प्लांट का नाम सुना होगा आपने, जो 100 ईयर्स के बाद पहली बार फ्लावरिंग। लेकिन यहां पर फ्लावरिंग बहुत जबरदस्त होता है क्योंकि पूरी जो कंजर्व एनर्जी है वो एक बार यूज करता है फ्लावरिंग के लिए। इसी तरह से स्ट्रोबिलेंथस निकुंथियाना, जिसको नीला कुरेंजी कहते हैं, स्ट्रोबिलेंथस निकुंथियाना, ये 12 ईयर्स के बाद एक सिंगल फ्लावरिंग होती है, तो यहां पर भी बूम फ्लावरिंग होती है, जिसको हम बिग बैंग फ्लावरिंग कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो बार बार फ्लावरिंग दिखाते हैं, वहां पर आप ये समझें कि वहां पर जो फ्लावरिंग होती है उतनी बूम फ्लावरिंग नहीं होती है इन कंपेरिजन टू मोनोकार्पिक प्लांट्स। तो नेक्स्ट जो चीजें हैं हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।